यहां जाते वही सरकार बन जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के महामंत्री संगठन थे, मध्य प्रदेश में सरकार बना और लंबे समय तक रहे तो लंबी सरकार बनी। अभी तक अखंड ज्योति चल रही है। उत्तर प्रदेश में गए तो उत्तर प्रदेश में सरकार, हरियाणा में गए तो हरियाणा में सरकार, बिहार में गए तो बिहार में सरकार, अब पश्चिम बंगाल में आ गए। तो इसलिए उनके आने से आप निश्चित हो जाओ कि सरकार का बनना तो तय है। अब अपन सबको कितनी कितनी आहुति देना है ये वाली बात है। हम कितनी कितनी मेहनत करते हैं ये इतनी सी बात है। हमारा योगदान क्या होगा? एक गांव में आग लगी हुई थी तो उस गांव में लोग नदी से जाके पानी लाते थे, वो आग को बुझाते थे। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया भी नदी तक जाती थी और अपनी चोंच में पानी भर के उस गांव की आग को बुझाने की कोशिश करती थी। तो किसी ने उस चिड़िया से कहा कि अरे पगली, के तेरी चोंच के पानी से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि मुझे भी मालूम है कि मेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं चाहती ये हूं कि जिस दिन इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाए उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। सरकार बन रही है, आपने कितनी मेहनत की, आपकी आहुति राष्ट्राय इदं नमः में, ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही एकमात्र ऐसा काम है कि वो एक कमल का बटन दबाने से राष्ट्र की आराधना होती है, वो एक कमल का बटन दबाने से पाकिस्तान भयभीत होता है, एक कमल का बटन दबाने से जाते हैं मोदी जी देश के अंदर, और उस एक कमल का बटन दबाने से ममता जी भी भयभीत हो जाती है। वो एक कमल के बटन दबाने